भारतीय वायुसेना तथा बिलिंग पैराग्लाइड एसोसिएशन के तत्वाधान में स्काई डाइविंग जंप के प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस आयोजन का शुभारंभ जिलाधीश कांगड़ा सीपी वर्मा ने फ्लैग ऑफ करके किया। इस मौके पर वर्मा ने कहा कि इस प्रकार का आयोजन एशिया में पहली बार बिलिंग घाटी में हो रहा है तथा इस आयोजन से घाटी में पर्यटन की दृष्टि से काफी आशाएं जगेंगी। इससे पूर्व बीपीए के निदेशक अनुराग शर्मा व अन्य सदस्यों ने उपायुक्त सीपी वर्मा का स्वागत किया और उन्हें शॉल व टोपी पहनाकर सम्मानित किया। हमारा जो पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन का है और ये हमने पीछे भी एक प्रयास किया था 3-4 महीने पहले एयरफोर्स के साथ, क्योंकि जो बीट बिलिंग की जो वैली है, वादी है, वो प्रसिद्ध है पैराग्लाइडिंग के लिए, लेकिन इस एक्टिविटी को हम और अधिक एक्सपैंड कर सकें और दूसरी एक्टिविटी के साथ उसको इंटीग्रेट कर सकें, इस डायरेक्शन में हमने ये प्रयास किया है। और पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एयरफोर्स को इन्वॉल्व करके जो बेस जंपिंग, एयर जंपिंग की जो पैराग्लाइडिंग जो जंपिंग करके पैराट्रूपर्स एक नई एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस करके इसको और अट्रैक्टिव और अधिक उसको एक्सटेंसिव बनाने का कोशिश की है और हम आशा करते हैं कि इससे हमारा पर्यटन की जो गतिविधि है उसमें भी इजाफा होगा। वायुसेना के अधिकारी विंग कमांडर भवानी सिंह ने बीपीए का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस इवेंट में वायुसेना की एक महिला अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर निशा गोवर्धन सहित 12 स्काई डाइवर्स ने स्काई डाइविंग जंप कर अपने आप का अनूठा प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में स्थानीय पैराग्लाइडर स्काई ड्राइवर्स के साथ विलिंग से उड़ान भरी तथा पायलट के साथ 8,000 से 10,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद हवा में जंप करके स्काई डाइवर्स खुद को टेडम पायलट से एंटी लॉक कर जंप कर पैराशूट से उतरकर क्योरा में सुरक्षित लैंड किए। उन्होंने कहा कि स्काई डाइविंग करने के वक्त पायलट की स्पीड 176 फुट पर सेकंड होगी। इस तरह ये एक जोखिम भरा मनोरंजन भी है। पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन का बड़ा बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो कि उन्होंने हमारे को यहाँ पे बुलाया। हमारी टीम जो है वी आर फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स और टोटल 12 स्काई डाइवर्स यहाँ पे हैं और ये आई थिंक पहली बार यहाँ पे हो रहा है कि मास जंपिंग, पहले भी किया हुआ है पैराग्लाइडिंग से जंप, बट अगर आप मास जंपिंग देख रहे हो पैराग्लाइडर्स में 12 लोग जंपर्स उनके साथ जाएंगे और उसके बाद अपने अपनी हाइट में जैसे जैसे वहां पहुंचेंगे एग्जिट करेंगे, उनसे रिलीज हारने से बाहर निकलेंगे और रिलीज करके फॉल फ्री करेंगे, क्लियर कट बताएंगे, वो पत्थर की तरह नीचे गिरेंगे और स्पीड होती है हमारी 176 फीट पर सेकेंड। उस स्पीड से हम नीचे गिरेंगे, फिर जो भी डेजिग्नेटेड हाइट हमारी आएगी, जो जो जैसे जैसे बता रखा है उससे हम अपना अपना पैराशूट खोलेंगे और फिर हम अपने सीक्वेंस में लैंड करेंगे। ये हमारा आज की कार्रवाई रहेगी। और क्या कहते बीपीए निदेशक अनुराग शर्मा व विशेष पायलट ज्योति ठाकुर ने बताया कि इस प्रदर्शन में 12 वायुसेना के स्काई डाइवर्स के साथ 12 स्थानीय पायलटों ने भाग लिया तथा वे वायुसेना के पायलट्स को टेंडम फ्लाइंग करवाकर लगातार 10,000 फीट की ऊंचाई तक लेके जाने के बाद 4,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगवाई। उन्होंने कहा कि इस तरह का आयोजन बिलिंग घाटी में पहली बार हो रहा है तथा ऐसे आयोजन से घाटी में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी बीपीए साहसिक प्रतियोगिताओं का आयोजन सफलतापूर्वक करवा चुकी है। वर्धन है, मैं एयरफोर्स में इंजीनियरिंग स्ट्रीम में हूँ और मैं पिछले 7-8 सालों से जंप कर रही हूँ। मेरे अभी तक 400 जंप्स हो चुके हैं। अभी तक के जितने भी जंप्स थे मैंने जहाज से किए हैं। ये मेरा पहली बार है जो कि मैं पैराग्लाइडर से जंप करूंगी। इस जंप में खास बात यह है कि पहली बार, पहले जितने भी हमने जहाज में गए हैं और उसमें रोटर की आवाज़ रहती है और हमें सिर्फ एक डोर से निकलना होता है, इस बार हम एक अपने पायलट के साथ जाएंगे और अपने जितने भी स्ट्रैप्स और पकल्स हैं वो खोलेंगे एक डेजिग्नेटेड हाइट पे। हमने डिसाइड किया है 3,000 के आसपास हम अपना पैराशूट खोलेंगे और जहाँ पे बाकी सारे लोग लैंड करें वहीं पे हम लैंड करेंगे। और अच्छी बात यह है कि क्योंकि मैं हिमाचली हूँ और मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि हिमाचल में ही ये मुझे मौका मिल रहा है और बहुत ही अच्छी फीलिंग है पहाड़ों के बीच में जंप करना। बहुत ही सुंदर नज़ारा होगा ऊपर से। थैंक यू।